अभी हम देखिए, अभी हमें जस्ट यहाँ पर नजर आया, तो ये चीज मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, उस पर फोकस कीजिए। तो देखिए, वो बराए सदका इमदाद के नाम से एक पेटी यहाँ पर रखी हुई है। जी, ये पेटी यहाँ पर रखी हुई है, दिखाइए इसको। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हकीकत में मैं इस पर जो है दाद देना चाहता था अपने भाई मुजम्मिल साहब का, कि यहाँ पर इनकी दुकान पे पेटी रखी हुई है, बराए सदका व इमदाद जामिया सैयदना अबू हुरैरा। ये कहाँ पे मदरसा है? ये नौगढ़ के पास में। नौगढ़ के पास जी। तो ये आपने खुद रखा है या वो मतलब मदरसा वालों ने कहकर रखाया है? नहीं, मैं चाहा कि मेरे पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा पैसा रखूं और वो बच्चों तक, मदरसे में बच्चों तक पहुंचे, उससे कुछ जो है इमदाद हो बच्चों का और मदरसों का, दोनों फायदा। एक पेटी और रखी हुई है वहाँ पर जी। वो कैसी पेटी है? ये भी नौगढ़ के पास का ही है। अच्छा, ये दान पेटी। जी जी। तो इसके ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ कि यह हर दुकान पे होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर क्या हुआ, अभी आपकी दुकान है, आप भी जब देखेंगे इसको रोजाना तो आप भी सोचेंगे 2-4 रुपया डाला करें इसमें। और इसके अलावा जो कस्टमर आते हैं वो भी देखेंगे, उनकी भी चाहत होगी कि डालें। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई सामान खरीदा आपसे, 2-4 रुपया बच गया, हमने पेटी देखी, लाओ भाई उसमें डाल देते हैं, भाई कि नहीं, इसका फायदा बहुत होता है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये हर दुकान पे होनी चाहिए, ये दान पेटी, जिसमें आप रोजाना पैसे निकालते रहें, डालते रहें। इंशाल्लाह इससे जो है मदरसे के नाम पर एक पेटी अलग बना ले, अगर चाहें तो मस्जिद के नाम पर एक पेटी अलग बना ले, है कि नहीं। तो इससे काफी फायदा होगा हमारी उम्मत के लिए, हमारी कौम के लिए। तो बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि आपने ये चीज रखी है। तो इसके अलावा कुछ है, हमें ऐसी चीज बताइए कि आपकी दुकान में ऐसी क्या मतलब वो चीज है जिसकी वजह से कस्टमर आते रहते हैं, क्या फार्मूला है दुकान चलाने का, कैसे लोग कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे पास कोई सा भी सामान है, अगर हम अपने कस्टमर से इखलाक और मोहब्बत से बात करते हैं, अपने क्वालिटी के बारे में अगर बढ़िया से जो है समझाते हैं, हकीकत में वो अगर ब्रांड चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो जैसे क्या होता है कि अगर प्यार से बोला जाए तो ग्राहक मिट्टी भी खरीद लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट की बात है, ये पॉइंट की बात है। जी, तो ऐसे ही सामान अगर अच्छा है तो कस्टमर ले जाएगा, कुछ दिन पहनेगा तो वाकई में उसकी जो है विश्वास मेरे ऊपर जमेगी और वो बार बार हमारे पास आएगा। देखिए, लेकिन इस बारे में हमने कुछ लोगों को देखा, दुकानदारों को, जो कभी कभी क्या होता है, मिसाल के तौर पर कस्टमर आया, अब वो सामान खरीदने के लिए तो आया है भाई, सामान ही खरीदने के लिए आया है, अब कभी कभी क्या होता है कि सामान उसको पसंद नहीं आता, ठीक है, तो जब जाने लगता है तो दुकानदार गुस्सा हो जाते हैं कि लेना था नहीं, परेशान करने आए थे। मुझे मेरा काम क्या था, चार दिखाना। हमने उसको दिखाया, अब वो नहीं ले रहा है, तो अब इसमें मैं उसको बोलूं, उसके बारे में गलत सोचूं, मैं उसको डांटूं, गाली दूं, तो ये गलत है। इसका असर क्या होता है कि वो कभी भी नहीं आएगा और फिर अपने दोस्तों को मना कर देगा आने से, भाई ये दुकानदार बड़ा खड़ूस है, इसके पास ना जाओ, है कि नहीं। तो कभी कोई कस्टमर आता है तो उससे प्यार से, सलूक से बात करें। इखलाक वो चीज है कि अगर वो बंदा कभी आज सामान नहीं खरीदा तो दोबारा वो आपके पास आएगा सिर्फ आपकी जबान की वजह से, कि आपकी जबान बड़ी प्यारी है, आप बड़े प्यार से बात करते हैं। तो इखलाक अगर आप दुकान चलाना चाहते हैं तो सब कुछ ये नहीं होता कि आप वैरायटी के सामान रखे हुए हैं, बल्कि आपका इखलाक, आपका किरदार बेहतर होना चाहिए।